Students, we are talking here about some previous exams questions जो कि हमने पिछली क्लासेस पिछला लेक्चर जो था उसमें भी डिस्कस किए थे कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के ऊपर एपिडेमिक्स पैंडेमिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जो क्वेश्चंस से जो कई टॉपिक्स से रिलेटेड थे बायोलॉजी के वो हमने डिस्कस किए थे. आज हम QIP CDS बायोलॉजी सेक्शन में करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चन है वो प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम करेंगे. कुछ देखेंगे कि उसको किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. जैसे हमने पीछे ह्यूमन डिजीजेस वाले क्वेश्चंस किए थे कि किस तरह का स्टाइल है पेपर का, तो वो मैच द फॉलोइंग वगैरह ज्यादा पढ़ेंगे या फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी होगी, ट्रू फॉल्स हमें चूज करने होंगे या फिर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे. मोस्ट ऑफ दी तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन काफी हद तक 30-40% जो क्वेश्चन आएंगे वो मैच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट वगैरह वगैरह इस तरीके से आएंगे. हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चन करने हैं और सेल सेल के पार्ट्स ऑर्गेनेल्स वगैरह वगैरह उसको डिस्कस करना है. उसके किस तरह के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसमें कौन से हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद DNA क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स के ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर थोड़ी सी अप्लाइड बायोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी ये सारी चीजें करेंगे और उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में. कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जो आपको असाइनमेंट्स में आपको टेस्ट जो प्रीवियस ईयर्स का प्रोवाइड करवाया गया उसमें है क्वेश्चंस, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जैसे कि एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन एंड डिजीज इज करेक्टली मैच. अब ये भी देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग स्टाइल से एक क्वेश्चन आया है. मोस्टली चांसेस यही रहेगा कि मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आए. जैसे कि इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं विटामिन ए दूसरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B1 थर्ड आपको दिया हुआ है विटामिन सी. हम इसे देख रहे हैं कि हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है. हमें विटामिन का नेम दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट उसकी डेफिशिएंसी के अगेंस्ट जो डिजीजेस हो रहे हैं वो हमें दिए हुए हैं. अब हमें चूज ये करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है, इसमें सिलेक्ट द करेक्ट, इसमें आपको ऑप्शन में आपको चूज क्या करना है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सॉरी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन जो हमें यहां पे दिए हुए उनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है. जैसे कि हमें आएगा ओनली 2 दिया हुआ है यहां पे, फिर 2 and 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 1 and 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद डी ऑप्शन 1, 2 and 3 दिया हुआ है. अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है. तो इसमें हमें जो 2 and 3 वाला स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है. ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होता है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है. ठीक है, विटामिन B1 विटामिन ए विटामिन सी इस तरह से इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यहां पे आपको दिया हुआ है कि उस तरह से आपको यहां पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस. तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि ये आपको समझाने का पर्पस ये है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन, फिर उसके बाद विटामिन के सोर्सेज, फिर दूसरी चीजें जो विटामिन से रिलेटेड है उसको मिला के एक क्वेश्चन डाल दिया जाएगा. अब एक सिंपल क्वेश्चन भी आया हुआ है जो कि इससे थोड़ा सा हटके है जो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज. अब ग्लूकोज क्या चीज होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स होते हैं. इन्हीं से मिलके ये कार्बोहाइड्रेट होता है. इसका फॉर्मूला है C6H12O6. अब हमें पता है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है. ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है ग्लूकोज इज ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट और डी न्यूक्लिक एसिड. तो इसका हमें डायरेक्ट इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो वो तो बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन.
तो 40-50% क्वेश्चन आपको इजी आएंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं आएगा। डिफिकल्टी लेवल आपका मैच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट उसमें, या फिर एसर्शन रीजन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए उसके अकॉर्डिंग आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें लिखा है कि ए पर्सन फीड्स ऑन द राइस एंड वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो ओनली, ही इज लाइकली टू सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर एक इंसान सिर्फ पोटैटो ही खाएगा तो वो उसमें कौन सी चीजों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे। आपको हमें ये पता होना चाहिए कि पोटैटो जो होता है वो इट इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। अगर वो कार्बोहाइड्रेट ही खाता रहेगा, वो तीनों टाइम कार्बोहाइड्रेट खाएगा, तो उसमें आपको पता है कि कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी बेसिकली। अब फैट्स इसमें ऑप्शंस आपको जो दिए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रोटीन्स, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब देखिए जहां जहां पे प्रोटीन आ गया, ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होगी होगी, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट साथ में दिया हुआ है इस ऑप्शन में, तो इसको तो आप रॉन्ग ही कर दो। कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन को भी आप कर दो, क्योंकि जो पोटैटो आप खा रहे हैं वो इट्स अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, तो कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल गया है। और कार्बोहाइड्रेट से अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते रहे तो हम वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में भी चेंज हो सकता है, तो बॉडी में दैट मींस फैट की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है, तो वो है प्रोटीन्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एक आया हुआ है। उसके बाद न्यूट्रिशन और ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड और भी काफी चीजें, और भी काफी क्वेश्चन आए हुए। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ आपको कि विटामिन ए, इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें कॉलम वन एंड कॉलम टू आपको दिया हुआ है। विटामिन ए, ए ऑप्शन है, फिर बी विटामिन बी टू, फिर सी विटामिन बी थ्री, फिर डी विटामिन सी, और इसके अगेंस्ट आपको दिया हुआ है राइबोफ्लेविन, नियासिन, रेटिनोल और एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब विटामिन्स के ऊपर तो आप एक ये मान के चलो, विटामिन्स के ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और चांसेस रहेंगे कि विटामिन्स के ऊपर आपको मैच द फॉलोइंग करके ही इस तरह से ऑप्शन बना के डालें कि वो आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के वो आपको डालें। ठीक है, ये इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब हमें ये मिलाना है, अब इसमें देखिए इसमें विटामिन दिए हुए हैं, उनका उनके केमिकल नेम्स दिए हुए हैं, उनको हमें मिलाना है कि कौन सा विटामिन किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है। जैसे विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, तो ए तो इनको अगर हम नाम दे दें 1, 2, 3, 4, अब ऑप्शंस भी इस तरह से आपको आएगा। जैसे ए के अगेंस्ट आ गया 3, विटामिन बी टू, विटामिन बी टू को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ये आ गया 1, विटामिन बी टू इज राइबोफ्लेविन। उसके बाद विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री इज नियासिन, ठीक है, बी थ्री नियासिन, और उसके बाद विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक। ये सारे आपको जो साइंटिफिक नेम है विटामिन के केमिकल नेम्स है उनके अगेंस्ट आपको ये क्वेश्चन बना के डाला गया। यानी कि आप ये यहां पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन करने का पर्पस ये है कि आपको स्टाइल पता लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कितने लेवल उसका कितना आगे तक जा सकता है, या फिर कितना सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो सिंप्लिसिटी जो है क्वेश्चंस की वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आपने देखना है, स्टडी करना है सारा कुछ, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी धीरे धीरे करके रेज करते रहना है। ठीक है, उसके बाद और भी कोई कई क्वेश्चंस हैं, जैसे अब फूड आइटम्स में कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैच द फॉलोइंग है, दोबारा से एक कॉलम वन और कॉलम टू आपको दिया हुआ है, ए फिश लिवर ऑयल, बी एग, सी लेट्यूस, डी काउ मिल्क। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 तक के ऑप्शन दिए हुए, विटामिन सी
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन ए। अब देखिए फूड सोर्स में कौन सा विटामिन आपको डाइटरी विटामिन आपको मिलेगा, डाइट में से। देखो विटामिन हमें डाइट से ही लेने पड़ते हैं, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, हॉर्मोन्स की तरह हॉर्मोन्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, और भी कई तरह के केमिकल बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, लेकिन जो विटामिन है वो हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू ही लेने पड़ते हैं, वो हमें फूड के थ्रू ही मिलते हैं। जैसे फिश लिवर ऑयल है, फिश लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, मतलब विटामिन डी का और इस धरती पे और कोई सोर्स नहीं है, विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से मिलता है, अगर ह्यूमन बीइंग ने लेना हो। दूसरे एनिमल्स उसको किसी तरीके से डेवलप कराते हैं तो वो स्टोर कर लेते हैं विटामिन डी को, तो विटामिन डी को डायरेक्टली वो स्टोर नहीं करते, विटामिन डी के कई तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, वहां से हम विटामिन डी को एक्सट्रैक्ट करवा के हम उसका मेडिसिनल यूज कर सकते हैं, एज ए मेडिसिन उसको ले सकते हैं, अगर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो टेबलेट्स बनती है फिश लीवर ऑयल से, ठीक है। उसके बाद एग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें एग से मिलता है। उसके बाद लेटस है, सी विटामिन सी का सोर्स है, उसके बाद काओ मिल्क जो है वो विटामिन ए हमें उससे मिलता है, विटामिन बी भी मिलता है लेकिन यहां पे एग्जैक्ट ऑप्शन आपको विटामिन ए ही दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अब कई तरह के क्वेश्चन, अब विटामिन के ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे, न्यूट्रिशन वाले पार्ट में आपको कई तरह के ट्रेस एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आयरन मैग्नीशियम पोटाशियम आयोडीन सोडियम वगैरह, इनकी वैल्यू भी कितनी होगी किस तरह से होगी और ये कहां कौन कौन से इनका सोर्स क्या है, क्योंकि ये भी हमें बाहर से ही लेने पड़ेंगे, हमारी बॉडी इन चीजों को भी खुद जनरेट नहीं करेगी, उसको बाहर से ही डाइट के थ्रू ही लेने पड़ेंगे, जैसे कि आयोडीन होता है, आयरन होता है, आयरन हमें कहां कहां से मिलती है, आयरन हमें जो पालक उसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आयरन का, और भी कई चीजें होती हैं जो हमें आयरन देती हैं, पोटाशियम, पोटाशियम हमें बनाना से मिलता है, डेट से मिलता है, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन के बारे में आपने सुना होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, मेन डिजीज जो थायराइड प्रॉब्लम वाली डिजीज है जो जिसमें हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी में एक हार्मोन जिसको T3 T4 बोलते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की है वो प्रोड्यूस करती है, तो T3 को थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, वो थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी से, तो वो हमें कहां से मिलेगा, जो कॉमन सॉल्ट हम घर में यूज करते हैं वो आयोडाइज्ड लिखा आता है, आयोडीन हमें आयोडाइज्ड साल्ट से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जो नॉर्थ वाले रीजन है हमारे इंडिया के वहां पे आयोडीन की प्रॉब्लम ज्यादा है, जो सी वाले रीजन है जहां पे सी साल्ट लगता है, ट्रॉपिकल एरियाज है उस तरफ वाले रीजन है, जो ओशन के पास पास वाले रीजन है उसमें आयोडीन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्यों, क्योंकि आयोडीन का जो वहां पर सी फूड ज्यादा खाया जाता है तो अल्टीमेटली उनको आयोडीन अपने आप सी फूड के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे बोन्स या डेवलप्ड जो चाइल्ड है जो ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग चाइल्ड है जो ग्रो कर रहा है चाइल्ड, उसको कैल्शियम की जरूरत बहुत होती है, उसको कैल्शियम बोन्स की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए, उसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो कैल्शियम हमें मिल्क और एग से मिलता है। दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है, जरूरी नहीं कि विटामिन फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इस तरह से आए, आपको फूड सोर्सेस के अकॉर्डिंग आपको ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद और आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक मिक्सचर ऑफ मतलब कई चीजों को मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन डाला गया है यहां पे, जैसे ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें एक लिस्ट वन आपको दी हुई है, दूसरी लिस्ट 2D दी हुई है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन, उसके अगेंस्ट आपको नंबर वन से दिया हुआ है पेप्सिन, बी आपको दिया हुआ है एंजाइम, दूसरा इसके अगेंस्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है कैरोटीन,
उसके बाद सी ऑप्शन आपको दिया हुआ हार्मोन, इसके अगेंस्ट आपको दिया हुआ केराटिन, उसके बाद आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन, इसके अगेंस्ट आपको दिया हुआ है सॉरी डी डी आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, और इसके अगेंस्ट आपको दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है आपको दी गई है, आपने इसको मैच करना है। तो इसमें देखिए विटामिन, विटामिन के बारे में हमें पता है। अब इसमें विटामिन का सोर्स भी हो सकता है कि वो हमें कहां से मिलता है, विटामिन का साइंटिफिक नेम अगर नहीं दिया हुआ तो उसका सोर्स दिया हो सकता है। उसके बाद एंजाइम है, एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है या एंजाइम का पर्टिकुलरली कोई नेम दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हार्मोन है, हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन है, किस तरीके का हार्मोन है। तो उसके बाद प्रोटीन, डायरेक्टली एक प्रोटीन दे दिया गया। अब प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन इसमें पेप्सिन भी होती है और केराटिन भी होती है, लेकिन पेप्सिन जो है एग्जैक्टली वो एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अवर स्टमक, ठीक है, जो कि हाईली एसिडिक कंडीशन पे एक्ट करता है, ठीक है, ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, ये है बेसिकली प्रोटीन ही, लेकिन ये एग्जैक्ट ऑप्शन इसका एंजाइम के साथ रिलेटेड है, तो इसको एंजाइम के साथ हम मैच करेंगे। उसके बाद विटामिन है, विटामिन देखिए विटामिन कई तरह के हैं, ए डी ई के बी सी, कई तरह के विटामिन है। अब इसमें विटामिन से मिलता जुलता ऑप्शन तो आपको कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कैरोटीन, कैरोटीन जो है वो एक तरह का एक तरह से पिगमेंट्स से बनने वाला एक बायोकेमिकल कंपाउंड है जिससे विटामिन ए सिंथेसिस होता है, जिससे विटामिन ए सिंथेसाइज होता है, विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। तो विटामिन के साथ तो ये रिलेटेड आ गया, इन रिलेशन विद विटामिन कैरोटीन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। उसके बाद हार्मोन, अब हार्मोन की अगर हम बात करें तो हार्मोन में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, वगैरह वगैरह और भी कई तरह की चीजें होती है हार्मोन में आ गए प्रोजेस्टेरोन, ठीक है जी। उसके बाद प्रोटीन, केराटिन,